तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। ए खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह से जाने। राह है हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। ए खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। मैं लंबी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता फिलिपस? जिसने मुझे देखा उसने बाप को भी देखा, तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें देखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है यह काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा।